गंगूबाई काठियावाड़ी। इन दिनों यह नाम सोशल मीडिया सहित अखबारों और टीवी में सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल अपनी कलात्मक कहानियों, दमदार एक्टिंग और भव्य सेट के लिए मशहूर रहे फिल्मकार संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज होने का इंतजार कर रही है। मशहूर लेखक हुसैन जेदी की किताब में माफिया क्यून के नाम से जानी जाने वाली गंगूबाई काठियावाड़ी 60 के दशक में हीरा मंडी नाम की जगह पर एक कोठा चलाती थी और जिसने बाद में अपने सामाजिक कार्यों के चलते बदनाम गलियों में अपना एक मुकाम बनाया था और लोग उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। गंगूबाई काठियावाड़ी की कोठे तक पहुंचने की दास्तान भी दर्द भरी है। गुजरात के काठियावाड़ में रहने वाली संपन्न परिवार की गंगूबाई को 16 साल की उम्र में अपने पिता के अकाउंटेंट रमणीक लाल से प्रेम हो गया। वह अभिनेत्री बनना चाहती थी तो रमणीक लाल के साथ मुंबई भाग आई, लेकिन रमणीक ने उसे धोखा दिया और उसे मात्र 500 रुपए में एक कोठे पर बेच दिया। बचपन में हरजीवन दास के नाम से जानी जाने वाली अब गंगूबाई हो गई और यहाँ पर उसके रिश्ते अंडरवर्ल्ड से बन गए। अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के गुंडे ने उसके साथ बलात्कार किया। इसकी शिकायत करने वह करीम लाला के पास गई तो करीम लाला ने उसे अपनी मुंह बोली बहन बना लिया और इस तरह उसके रिश्ते अंडरवर्ल्ड से बन गए। धोखे से वेश्यावृत्ति के धंधे में शामिल हुई गंगूबाई ने उन लड़कियों के विकास के लिए बहुत काम किए जो गलती से देह व्यापार में शामिल हुई। गंगूबाई पहली ऐसी कोठे वाली थी जिसने कई शहरों में कोठों की फ्रेंचाइजी खोली। सेक्स वर्करों के घर परिवार के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, कई स्कूल खुलवाए, मकान दिए और जीवन यापन का भरोसा भी। बदनाम गलियों में वह देवी के रूप में पूजी जाती थी। कहा जाता है कि वह एनकाउंटर की शिकार हुई। इस फिल्म में गंगूबाई की भूमिका आलिया भट्ट निभा रही है और फिल्म 30 जुलाई को रिलीज होगी।